नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल, नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज कॉल्ड एज यूमिनोरिया. यूमिनोरिया इट्स नॉट अ एबनॉर्मैलिटी, इट इज नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल. यूमिनोरिया का मतलब क्या है? नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल को हम बोलते हैं. ठीक है, चलो तो एबनॉर्मैलिटी फिर क्या है, इसको एनलिस्ट कर लेते हैं. सबसे पहले आएगा एमेनोरिया, फिर एक एक करके पढ़ेंगे. एमेनोरिया मीन्स एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल. डिसमेनोरिया, डिसमेनोरिया, डिसमेनोरिया. थर्ड नंबर मेनोरेजिया, मिनोरेजिया, या फिर इसे हम हाइपरमिनोरिया भी बोलते हैं. इसे हम क्या बोलेंगे? हाइपोमिनोरिया. इन सब का मीनिंग आपको पता होना चाहिए. फिफ्थ पॉलीमिनोरिया, ऑलिगोमिनोरिया, मेटोरेजिया, मिनोमेटोरेजिया, पीएमएस प्री मेंसुरल सिंड्रोम, पीसीओडी. ये क्या है? एबनॉर्मैलिटी ऑफ मेंसुरेशन साइकिल. और एबनॉर्मैलिटी पढ़ने से पहले मैंने आपको बताया व्हाट इज द नॉर्मल मेंसुरेशन साइकिल इज कॉल्ड एज यूमिनोरिया. नॉर्मल मेंसुरेशन साइकिल इज कॉल्ड एज यूमिनोरिया. इट्स नॉट अ डिसऑर्डर, इट्स नॉट अ डिसऑर्डर. नॉर्मली मेंसुरेशन साइकिल इज कॉल्ड एज यूमिनोरिया. और यहां जो एनलिस्ट किया है इसके बारे में समझना है कि इसमें मेंसुरेशन साइकिल में फीमेल को क्या प्रॉब्लम होती है. तो यहां पे क्या लिखा है? एमेनोरिया. एमेनोरिया का मतलब क्या होता है? एब्सेंस. मेंसुरेशन साइकिल अगर फीमेल का क्या होगा? एब्सेंट होगा. एब्सेंस ऑफ मेंसुरेशन साइकिल इज कॉल्ड एज एमेनोरिया. दिस वर्ड लगते ही हमें मीनिंग पता चल जाता है. मेडिकल में मेडिकल टर्मिनोलॉजी इतनी अच्छी बनी है कि कोई दिक्कत होती ही नहीं है. मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर यहाँ पे डिस का मतलब क्या होता है? डिफिकल्टी. मतलब यहाँ पे फीमेल को डिफिकल्टी किस फॉर्म में होता है? पेन के फॉर्म में होता है. एंड पेनफुल मेंस्ट्रुएशन साइकिल, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज कॉल्ड एज डिसमेनोरिया. फीमेल को क्या बोलते हैं हम उसमें? डिसमेनोरिया, जो कि ओपीडी में बहुत कंप्लेन आती है. मेनोरेजिया को मैंने बोला क्या बोलते हैं? पॉलीमिनोरिया. सॉरी, मेनोरेजिया को हम क्या बोलते हैं? हाइपरमिनोरिया. हाइपरमिनोरिया भी आप लिख लोगे इस टर्म को. और क्या बोला जाता है? हाइपरमिनोरिया बोला जाता है. हाइपरमिनोरिया में फीमेल को क्या होता है? एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है. इसे हम क्या बोलते हैं? हाइपोमिनोरिया, ब्लीडिंग कम होना. पॉलीमिनोरिया, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लेंथ का रिड्यूस होके 28 से घटकर 21 होना, उसी कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे चलते रहना. मतलब एक एक टर्म मैं आपको अलग से बताऊंगी क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आएगा. तो पहले आप क्या करो, इसको लिख लो. पूरा एनलिस्ट कर लो, एक एक करके मैं समझाऊंगी तो अच्छे से समझ में आ जाएगा. इसके अंदर कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी. इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी. तो सारे टर्म्स के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए. ठीक है, कि क्या ये टर्म्स है, क्या पूछा जाएगा. समझ में आ रहा है? तो फटाफट से लिखो. नींद नहीं आनी चाहिए. कभी कभी क्लास में ऐसा होता है कि सुनते सुनते हमें नींद आती है, बट वो वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए क्लास में, नहीं तो राइटिंग इधर से उधर चला जाएगा. काम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और मेहनत से बड़ा कोई कर्म नहीं होता. तो अभी जो आपको लिखने में मेहनत हो रही है वो उसका जो फल है वो भी बहुत जल्दी आपको मिलेगा. जब रिजल्ट आपके सामने आएगा, आप एग्जाम में बैठोगे और आपको क्लास की बताई हुई एक एक चीज आपके माइंड में ऐसे घूम रहा होगा और आप इतने एक्साइटेड रहोगे पेपर को लेके, अरे यार अब हमने जो पढ़ाई की है ना वो हमारे दिलो जिगर में एकदम बैठ गया है और यहाँ से निकाल नहीं सकता उसे कोई. चाहे एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन बनाए, हम उसका आंसर देने के लिए तैयार मिलेंगे वहाँ. ठीक है, तो इतने अच्छे से, इतने बढ़िया तरीके से मेहनत करो तो आपको सफलता जरूर मिलेगी. समझ में आ रहा है? तो मेहनत अच्छा करना है. चलो आगे बढ़े, ये लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं.